हेलो फ्रेंड्स, आज घर के देसी स्वाद में बन रहा है व्रत वाली फिंगर चिप्स। दोस्तों, ये फिंगर चिप्स ऐसी हैं जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना, तो चलिए आइए देख लेते हैं हमारे साथ कि कैसे बनाते हैं ये व्रत वाली फिंगर चिप्स, बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक के साथ में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फिंगर चिप्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 बड़े आलू चाहिए। इन आलू को इस तरीके से हों जो लंबे लंबे हों, मोटी छोटी आलू नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने आधी बाउल करीब सिंघाड़े का आटा लिया है, या आप कूटू का आटा भी ले सकते हैं। व्रत में खा रहे इसलिए हम यहाँ पर सेंधा नमक खा रहे हैं। आलू को अच्छे से पील कर लेते हैं। ये जो आलू हैं इन्हें बहुत ऊपर ऊपर से अगर आप पील करेंगे तो जब आप फिंगर चिप्स तलेंगे तो ऊपर इनका छिलका सा टाइट आएगा पीछे की साइड, तो इसलिए इस तरह पीलर की हेल्प से थोड़ा अंदर गहराई से ही इन्हें पील करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सारी आलूओं को पील कर लेना है और इसमें एक भी दाग वगैरह नहीं होने चाहिए। अब इन आलूओं को हम धीरे धीरे करके लंबाई में इस तरह से 4 पीसेस में कट करेंगे। 1, 2, 3। ये देखिए, इस तरह से हमने 4 पीसेस में इसे कट कर लिया है। अब इसकी हम लंबी लंबी स्लाइसेस कट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। इन आलूओं के भी हम 4 इतनी बड़ी बड़ी स्लाइसेस कट करेंगे। इन आलूओं को काट करते समय हमें ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आलू मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और पकने में काफ़ी टाइम लेगी, और अगर ये थोड़ी सी पतली हुई तो एकदम सूखी सी हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आलूओं का जो साइज हम रखेंगे वो एक जैसा होना चाहिए। अब इन्हें हम पानी से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, एक बार हम इसे पहले एक पानी से निकाल लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं इसे अपने ट्विस्ट के साथ में बना रही हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मैं इसमें आपको कुछ टिप्स भी देती रहूँगी जिससे आपके फिंगर चिप्स भी बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 पानी से इन आलूओं को निकाल लिया है। इस तरीके से निकालने के बाद में हम यहाँ पर एक हमने किचन टॉवल को इस तरह से फैला दिया है, उसके ऊपर ये जो आलू हैं उन्हें हम पूरे किचन टॉवल की हेल्प से इसका जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वो सारा एब्जॉर्ब कर लीजिए। धीरे धीरे इसको सुखा दीजिए, पूरी आलूओं को सुखा देना है। ये देखिए, अच्छे से इसका जितना भी पानी है वो सारा इसका निकल जाए, नहीं तो आप जब कढ़ाई में इसे डालेंगे तो ये आवाज़ बहुत करेगी, उसमें छींटे आने का भी डर रहेगा। देखिए, सारे आलू हमारे अच्छे से सूख गए हैं। अब हमें इसमें जो हमारा मेन ट्विस्ट है उसमें करना क्या है, यहाँ पर मैं सिंघाड़े का आटा, जो मैंने घर पर ही आटे को तैयार किया है, उसे मैं इसमें 2 चम्मच करीब यहाँ पर सिंघाड़े का आटा ऐड करूँगी। ये देखिए, अब इसे अच्छे से हमें नीचे ऊपर करके मिक्स कर लेना है। चाहे आप इस तरह स्पून की हेल्प से कर ले या इस तरह टॉस करते हुए कर लेंगे। देखिए, हमारी अच्छे से आलू में कोट हो गई है। वाव, ये फिंगर चिप देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं और व्रत में आप इसे बड़ी ही इजीली आसानी से खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया से आलू में अच्छे से कोट हो गया है। चलिए, यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, घी खूब अच्छे से गर्म है। उसी टाइम पे हमें यहाँ पर जो हमने फिंगर चिप्स बनाई थी उसे हमें इसमें फ्राई कर लेना है। जब हम इसमें फिंगर चिप्स स्टार्टिंग में डालेंगे तो आँच एकदम तेज होगी, और लेकिन जब हम इसमें डालेंगे, जब दूसरी तरफ इसे जब हम साइड से जब पलट के जब सेकेंगे तो इसमें दोस्तों आंच को थोड़ा सा लो टू मीडियम रखना है, जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर से पक जाए और अंदर से करारी ना हो पाए। इसलिए आपको मीडियम उसका आंच का बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, अब हमारी इस तरह से फिंगर चिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। वाओ, ये देखिए, आप इस तरह से घर पे कितनी आसानी कूल घर बैठे एकदम बेसिक सामानों से बना सकते हैं। आप इसी तरह से दूसरी फिंगर चिप्स को भी तल लीजिए। देखिए, अब मैंने फ्लेम को तेज कर दिया और फिर इसी तरह से हम फिंगर चिप्स इसमें डाल देंगे।
ये फ्रेंच फ्राइज ऐसी हैं कि आप चाहे तो नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं, चाय के साथ में, स्नैक्स के साथ में इसे इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे तो इसके बिल्कुल फैन होते हैं। बच्चों को तो आप जब कभी बर्थडे पार्टी या कुछ बच्चों की गेट टुगेदर पार्टी है तो आप इसे ज़रूर बनाइए और बच्चों को दीजिए, बच्चे बड़े ही खुश होकर के खाएंगे। वाओ, ये देखिए कितनी करारी करारी हमारी फिंगर चिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। इनसे तलने में भी हमें सिर्फ 5 मिनट ही मुश्किल से लगे हुए हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया फिंगर चिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर से हम इसमें जो हमने रॉक सॉल्ट लिया था उसे हल्का हल्का सा बुरक देना है। ये देखिए, अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो इसमें रेड चिली और थोड़ा सा काली मिर्च भी इसमें इस तरह से ऊपर से ऐड करते हुए आप खा सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने तोड़ के दिया, कितनी बढ़िया, एकदम ऊपर से एकदम क्रंच, अंदर से एकदम सॉफ्टनेस, बहुत ही बढ़िया हमारी फिंगर चिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। दोस्तों, ये होप है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए आप हमारी नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।